अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ शेयर की जा रही है और वायरल की जा रही है। ये वीडियो है असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि इसमें ये बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक बड़ा काम किया है। एक ही नहीं बल्कि ये इसी तरीके के बड़े काम करते हैं। ये लोगों की गलत फहमी है, जो लोग इन्हें बीजेपी का दलाल बताते हैं, जो इन्हें बी टीम बताते हैं बीजेपी की। मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस बात की कसम खाई कि मैं काबा शरीफ के सामने खड़े होकर ये कसम खाने को तैयार हूँ कि मैं बीजेपी से एक रुपया नहीं लेता हूँ। ये वीडियो तो मैंने भी देखी, मगर जो अकबरुद्दीन ने जो काम किया है, वाकई में ये बड़ा काम किया है। हकीकत में अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो अगर आपके सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल है, उस पर हाथ रख के सोचेंगे तो आपके आँखों से भी आंसू निकलना जारी हो जाएंगे। क्योंकि कुछ बात, कुछ दर्द ही ऐसा है और वो आवाज़ ही कुछ ऐसी है कि जो मजलूमों के हक़ के लिए उठी और जो मजलूमों का साथ दे रही है। तो प्यारे दोस्तों, वक्त को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए पहले आप असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बड़े कारनामे को ज़रूर सुन लें, और इसी तरीके के न जाने कितने ये बड़े काम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी तरीके से अपनी कौम की खिदमत करने की रब तौफीक अता फरमाएं। पहले तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें। 20,000 बच्चों में 600 यतीम, 700 ऐसे बच्चे जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया, तो 700 अल्लाह बच्चे अकबर। जो उनके माँ या बाप को सीरियस इलनेस है या कैंसर के शिकार है, या अल्लाह किडनी अकबर। खराब। रमजान के महीने में एक नई चीज मेरे सामने आई, उस पर भी काम करा। मैंने अपने स्कूल के सारे यतीम बच्चों को बुलाया, उन सबको ईद के नए कपड़े दिए, लिफाफे में ईदी दी और उस यतीम के सर पर हाथ रखा और सबको रवाना किया खुशियों के साथ। और फिर एक 50-100 बच्चे खड़े थे तो मुझे गुस्सा आया कि मैं यतीमों को बुलाया था, ये दूसरे कौन है? और गुस्से में गया और चीख कर कहा, यतीमों को बुलाया था, अगर इसमें कोई यतीम है जिसका बाप मर गया है तो हाथ उठाए। तो सिर्फ दो उठाए 50 में से। मैंने कहा चलो दो इधर आ जाओ, बाकी लोग क्यों खड़े हैं? मैंने तो नहीं बुलाया था ना। तो उसमें से दो लड़कियां मेरे गुस्से को देखकर रोने लगी। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? तो दो लड़कियां रोते रोते कहने लगी, अकबर भाई हमारा बाप जिंदा है लेकिन 12 साल हो गए हमारे बाप ने हमारा पुरसाने हाल नहीं जाना। 12 साल हुए हमने उनको नहीं देखा, उसने हमको नहीं देखा, हमारे पास ईद के लिए कपड़े नहीं है, कोई नहीं है, हमारी माँ घरों में बर्तन माँजती है, हम यतीम नहीं है लेकिन यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आगे बढ़कर उन रोती हुई बच्चियों को अपने गले लगा ली और कहने लगा, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे गुस्से को माफ कर दो, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा बाप अकबरुद्दीन ओवैसी की शक्ल में जिंदा है। सुभान अल्लाह। और उन सब को भी बुलाया, उनको भी दिया। उनको देने के बाद जब उनसे ईद मिलने के लिए गया तो और एक चीज सामने आई, शायद करने वालों के सामने ही आता, जिसे कराना है अल्लाह दिखाता। फिर एक 4-5 बच्चियां आई और उन्होंने कहा, हम वो बदनसीब हैं जिनकी माँ का इंतकाल हो गया। मैंने हैरत से देखा तो उन लड़कियों ने कहा, अकबर भाई हमारी माँ नहीं है और हमारे माँ के इंतकाल के 15 रोज में ही हमारी वालिद ने दूसरी शादी कर ली, हमारी सौतेली माँ हमारा ख्याल नहीं रखती। अल्लाह। 2 महीने चिचा के पास, 3 महीने नानी के पास, है है। फिर 2 महीने मामू के पास, हाँ है। तो फिर 4 महीने खाला के पास, हाँ हाँ। यूं जिंदगी गुजर जाती है। आपकी मेहरबानी कि हमको फ्री तालीम मिल रही है, लेकिन अकबर भाई हम घर के नौकरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा घर का काम करवाते हैं, पोछा मारने लगाते हैं, झाड़ू मारने लगाते हैं, हर लम्हे पर हमको हमारी माँ याद आती है। तो मैंने उसी वक्त उन बच्ची
बच्चियों के सर पर हाथ रखकर ये फैसला किया कि ऐसे बच्चियां और ऐसे बच्चे जितने हैं जिनकी माँ का इंतकाल हुआ है, सुभान अल्लाह, उनका बाप शादी कर लिया, अरे वाह, देख लिया कारनामा आपने, इनके रहने का खाने का इंतजाम मैं करूंगा और एक इमारत। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। बताएं अपने कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताएं कि अकबरुद्दीन ओवैसी की इस वीडियो को देखकर जो ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो बेचारे किसी के बाप नहीं हैं तो किसी की माँ नहीं है, उन लोगों की मदद कर रहे हैं आप, क्योंकि इसमें भी झूठ लग रहा है, या जो उन्होंने कॉलेज या जो स्कूल खोला है उसमें बच्चों को तालीम दे रहे हैं कि ये भी झूठ लग रहा है। आप BTM बताते हैं, आप BJP का दलाल बताते हैं, क्या बताएं कोई BJP का दलाल इस तरीके से काम करेगा कि वो तमाम क्या नाम है जो यतीम लोग हैं उन्हें सीधे से लगा कर चल रहे हैं, और आप सिर्फ बिना देखे बिना सोचे BTM बता देते हैं, BJP का दलाल बता देते हैं। मीठे सलामी भाइयों, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप गलत हैं। पहले तो सच जाने कि आखिरकार हाँ सच्चाई क्या है, सच्चाई जाने तब यकीन करें, वरना तो जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसके लिए हमें अपने दिल में गलत सोचना ही नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो के ताल्लुक से क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।